हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। कृष्णा की किचन में आपका स्वागत है। तो आज कृष्णा की किचन में बनने जा रही हैं फ्रेंड सूजी की और तिल, सफ़ेद तिल की क्रंची और क्रप्सी सो सॉफ्टी सूजी की टिकिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले ले रहे हैं हम सूजी। तो एक कटोरी सूजी ली है मैंने, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा बारीक वाली सूजी हो, जो रवादार मोटी सूजी आती है वो ना हो, जो हलवे वाली आती है बारीक सूजी वही हो। अगर नहीं है तो आप मिक्सिंग ग्राइंड में एक बार चला लीजिए। और फ्रेंड, आधी से आधी कटोरी यहाँ पे लिया मैंने मैदा। आप यहाँ पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे ले रही हूँ मैं आधी कटोरी पिसी हुई चीनी। आप साबुत चीनी मत डालिएगा, क्योंकि वो जल्दी घुल नहीं पाती है। और फिर उसके बावजूद भी फ्रेंड, हम जब सूजी की टिकिया को हम सेकते हैं तो वो ना चीनी पिघलती है, और उसपे दांत पिघल के काले 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 धब्बे बन जाते हैं और जल जाती है। तो उसमें बहुत ही भद्दी लगती है देखने में भी, और खाने में भी कड़वी लगती है। और फ्रेंड, यहाँ पे लिया मैंने सफेद तेल, ये मैंने आधी से आधी कटोरी लिए है। और फ्रेंड, यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक चम्मच इलायची पाउडर छोटी वाली। और फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आधी से आधी कटोरी लिया है घी। आप घी की जगह रिफाइंड भी ले सकते हैं, मगर आपको अगर ज्यादा खस्ता चाहिए तो आप यहाँ पे घी भी डालिए, और या फिर आप आधा घी आधा रिफाइंड भी कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया सभी चीजों को। अब मैंने यहाँ पे लिया है हल्का गुनगुना दूध। तो फ्रेंड, मैंने अभी यहाँ पे लिया है 1/4 कटोरी हल्का गुनगुना दूध, और आप इसे हल्का हल्का डाल के गूंद लीजिएगा। जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही दूध डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और 1/4 कटोरी पूरा दूध नहीं लगेगा, इसमें से आधा ही लगेगा और कम ही लगेगा। तो आप अपने डो के अनुसार देख लीजिएगा। ये मैंने इसका डो अच्छे से लगा लिया है, और आप देख पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट है, क्योंकि हमारी सूजी अभी फूलेगी। काफ़ी सूजी फूल जाती है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा लूज ही डो लगाना है, ज़्यादा लूज नहीं लगाना है। मगर यहाँ पे फ्रेंड, मैं इसको अब कवर करके रख देती हूँ करीब आधा घंटे के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे सूजी को रखे हुए आधा से 1/4 घंटा हो चुका है, और हम देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना सख्त डो हो गया है पहले से। तो फ्रेंड, अभी आपको क्या करना है, हल्का सा हाथ पे लगा लेना है आपको घी या ऑयल, और इसे इस तरह गूंद लेना है अच्छे से। अभी आपको टाइट सी लग रही होगी, मगर ये टाइट नहीं है, आपको इसी तरह अच्छे से इसको मत लेना है। और अगर फिर भी आपको हल्की सी टाइट लगे तो आप हल्का सा इसमें दूध डाल के इसे मार सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसे मैंने करीब 2 मिनट के लिए मार लिया, मत लिया है। तो अब ये कितनी सॉफ्ट हो गई है आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आटे जैसी लग रही है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ना थाली से अलग कर देना है इसको, और इस तरह एक बड़ी लोई बना लीजिए। हाँ, बड़ी आप इसे इस तरह बेल लीजिए। तो फ्रेंड, मैंने इसको बेल के तैयार कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, इस तरह हल्का सा साइड से काट दीजिए, और इधर साइड से काट दीजिए थोड़ा हल्का सा। और इधर से भी काट दीजिए। अब आप इसमें चाहे जो शेप दे सकते हैं, गोल शेप दे दीजिए, या कोई ग्लास कटोरी लेके गोल शेप दे दीजिए, या फिर चौकोर शेप दे दीजिए। आप जो शेप देना चाहें आप वो शेप दे सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सबको काट लिया है। अभी आपको क्या करना है, ये जो साइड है ना इसे हटा देना है। ये चौकोर नहीं बनी है तो इसे साइड को से हटा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, ये सारी आपकी जो मीठी मटरी है सूजी की, वो बिल्कुल पूरी बनके तैयार हुई है। तो आप इन्हें अब उठा के एक बर्तन में रख लीजिए। मोटाई आप देख लीजिए इसकी, ये इतनी मोटाई है, मैंने ज्यादा मोटाई नहीं रखी है, ज्यादा थिक नहीं है। फ्रेंड, ये देखिए मैंने सभी को बना के कट कर लिया है। ये देखिए, इधर हम गैस चलाएंगे और कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए, और इसमें डाल देंगे हम ऑयल। और फ्रेंड, अभी आपको क्या करना है, एक चम्मच लेनी है कांटे वाली, और उससे इस तरह इनमें छेद कर देना है।
तो फ्रेंड यहाँ पे तेल गर्म होने वाला है, तो आपको चेक कैसे करना है, थोड़ा सा आटा लीजिए और इसमें इस तरह डाल दीजिए, तो आपको हल्के हल्के बबल ये दिख रहे होंगे। आपको ऐसा ही गर्म चाहिए, तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं चाहिए और ना ही स्लो गर्म चाहिए कि कम गर्म हो, तो आपको ऐसा ही तेल चाहिए। तो फ्रेंड तेल गर्म है और इसमें डाल दीजिए मठरियों को। अभी फ्रेंड आप इनको हाथ मत लगाइएगा कुछ सेकंड के लिए, जब तक ये हल्की सी नीचे से सिक ना जाए। ये देखिए फ्रेंड नीचे से हल्की सी सिक्की सी आपको दिख रही होगी, आप ऐसी हो जाए तो आप इनको पलट दीजिएगा और गैस का फ्लेम अब धीमा कर दीजिएगा और गोल्डन सी होने तक इनको फ्राई कर लीजिएगा। तो फ्रेंड पलटते पलटते इनको हल्का सा आप सेक लीजिएगा और इनका ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है आपको। ये देखिए ये अच्छा सा कलर आ गया है इन पे। अभी आप इनको खस्ता सेक देंगे तो ये जल जाएंगे, बाद में बहुत ही बेकार कलर आएगा जैसे जला हुआ है। तो आप इनको इसी कलर पे इस तरह, ये आप देख पा रहे होंगे, इस कलर पे आप इनको उतार दीजिए। और अभी बाद में दिखाऊंगी मैं आपको इनका कलर और डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये सूजी है, सूजी अंदर ही अंदर गर्म हो, काफी गर्म हो जाती है तो वो पकती रहती है थोड़ी देर की तक, बाद कढ़ाई से निकलने के थोड़ी देर बाद तक पकती रहती है। इसी तरह बाकी की सारी मठरियों को हम सेक लेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि अभी जो आप कढ़ाई से निकालोगे ना, ये टिक्कियां ये नरम है अभी, और जब ठंडी होती जाएंगी वैसे वैसे ये क्रिस्पी और कड़क होती जाएंगी। आप ये ना सोचें कि ये नरम है तो अभी सिकी नहीं है, ये सिक चुकी हैं मगर नरम ही रहेंगी जब तक कढ़ाई में रहेंगी, और कढ़ाई से निकलने के बाद जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएंगी कड़क होके क्रिस्पी होती जाएंगी। तो फ्रेंड सूजी की मीठी मठरी बनके तैयार है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है अब इन पे, तब इतनी और तब सॉफ्ट ही थी, अब बहुत ही करारी हैं, आप आवाज सुन पा रहे होंगे, तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। मैं ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुई है, ये देखिए फ्रेंड। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो ऐसी किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।